students, my name is Rajni Saini from Atish Valmiki Senior Secondary School. I am your EBS subject teacher. Students, आज हम EBS में chapter 3 start करेंगे. Chapter 3. How are sense organ work? Organ क्या होते हैं? अंग. Sense इंद्रिय. हमारी जो organs हैं, हमारी जो सभी बच्चे अपनी बुक निकालेंगे. पेज नंबर 14, चैप्टर 3. अब हम बुक से रीड करेंगे. हाउ माई सेंस ऑर्गन वर्क. सेंस हमारी इंद्रिया, ऑर्गन अंग. कैसे वर्क करते हैं तो हम चैप्टर में रीड करते हैं. वाओ टॉयज. टॉयज मीन्स खिलौने, और टॉयज़ हैं वो सभी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं. अमित सीज ए बैग फुल ऑफ टॉयज़. अमित के पास क्या है? एक बैग है, सबको दिखाई दे रहा है आपकी बुक में, और ये टॉयज से फुल है. इसमें खूब सारे इसके पास क्या है? खिलौने हैं. द टेडी बियर इज सो सॉफ्ट. ये जो फुल बैग है इसके अंदर एक टेडी बियर है, और वो कैसा है? बिल्कुल सॉफ्ट है. अमित पिक्स अप ए टेडी बियर एंड फील्स इट. अमित ने यहाँ से क्या उठाया है? एक टेडी बियर उठाया है, और वो बहुत क्या है? सॉफ्ट है. तो इससे यहाँ हमें जो सॉफ्ट है टेडी बियर, इसका पता किससे चल रहा है? तो हमारे कौन सा वर्ग ऑर्गन है जो यहाँ वर्क कर रहा है? कौन सा है? तो यहाँ हमारी जो स्किन है वो हमें बता रही है कि टेडी बियर कैसा है? सॉफ्ट है. हमें उसको छूने से, उसको टच करने से हमें पता चला कि टेडी बियर कैसा है? सॉफ्ट है. द फ्लावर स्मेल्स गुड. स्मेल मीन्स सुगंध, फ्लावर मीन्स फूल, गुड यानी अच्छी. फ्लावर की स्मेल कैसी है? अच्छी है. अमित स्मेल्स द फ्लावर. अमित है वो फ्लावर को स्मेल कर रहा है, सूंघ रहा है. तो यहाँ अमित को कैसे पता चला कि फ्लावर की जो स्मेल है वो अच्छी है? तो हमारा यहाँ कौन सा ऑर्गन वर्क कर रहा है? नोज है वो हमें बता रहा है कि फ्लावर्स की स्मेल है वो गुड है. तो गुड और बैड दोनों का हमें जो पता चलता है वो किससे चलता है? हमारे नोज से पता चलता है. नेक्स्ट देखिए. वाओ इट इज़ सो स्वीट. अमित टेस्ट द आइसक्रीम. अमित है वो यहाँ क्या खा रहा है? आइसक्रीम खा रहा है. आइसक्रीम के टेस्ट का अमित को कैसे पता चला कि वो स्वीट है यानी मीठी है? कैसे पता चला? यहाँ हमारा कौन सा ऑर्गन वर्क कर रहा है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी जो टंग है वो हमें टेस्ट के बारे में बता रही है. तो टेस्ट का पता किससे चल रहा है? टंग से. तो हमें जीभ है वो बताती है कि टेस्ट अच्छा है, खट्टा है, तीखा है, कैसा भी है, वो हमें कौन बताती है? टंग बताती है. तो यहाँ अमित को टेस्ट का पता किससे चल रहा है? टंग से. नेक्स्ट में देखिए. अमित लाइक्स लिसनिंग टू म्यूज़िक. अमित को क्या पसंद है? म्यूज़िक पसंद है. लिसनिंग मीन्स सुनना. अमित को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है. देखो अमित है वो म्यूज़िक सुन रहा है. तो यहाँ सभी स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ कौन सा ऑर्गन वर्क कर रहा है. अमित को जो सॉन्ग सुन रहा है वो किससे सुनाई दे रहा है? अपने ईयर से.
तो हमें जो यहाँ म्यूज़िक अमित सुन रहा है वो किससे सुन रहा है, ईयर से। तो यहाँ हमारा ईयर है वो ऑर्गन वर्क कर रहा है। वी कैन टेस्ट, हम टेस्ट करते हैं तो स्वीट स्पाइसी श्योर सॉल्टी एंड बिटर थिंग्स। तो हमें जो टेस्ट का पता चलता है, जैसे यहाँ दिखाया है कि चॉकलेट कैसी है, स्वीट है, लेमन कैसा है, श्योर है यानी खट्टा है, और यहाँ चिप्स हैं यानी कुरकुरे दिखाई दिए हैं, ये कैसे हैं, सॉल्टी हैं यानी ये नमकीन है। यहाँ जो मिर्च है, चिली है, वो कैसी है, स्पाइसी है मीन्स तीखी है। तो ये जो सभी टेस्ट हैं वो हमें कौन बता रही है, अपनी टंग बताती है। हमें टंग से पता चलता है कि कौन सी जो चीज़ है वो स्वीट है, शोर है, सॉल्टी है एंड स्पाइसी है। तो यहाँ स्टूडेंट्स इस पेज पे हमने देखा कि हमारे ऑर्गन हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, और जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। तो सभी को यहाँ समझ में आ रहा है कि इन पिक्चर्स में कौन सा ऑर्गन वर्क कर रहा है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 15। सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन इंद्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं। लाइक अमित, जैसे वी कैन ऑल्सो सी, हम लोग देखते हैं, टच करते हैं, छूते हैं, स्मेल करते हैं यानी सूंघते हैं, हियर मीन्स सुनना, टेस्ट थिंग्स, कई चीज़ों को टेस्ट करते हैं। अवर आईज ईयर्स नोज स्किन एंड टंग आर सेंस ऑर्गन। तो मैंने जैसे आपको बताया भी है कि हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज ईयर्स नोज स्किन एंड टंग, जो हमें हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट वर्क करती हैं। अब इनका वर्क देखेंगे कि किस ऑर्गन का क्या वर्क है। Our eyes help us to see. See means देखना और eyes means आँखें। तो हमारी जो eyes हैं उनका क्या वर्क है, see यानी देखना। तो हमें eyes help करती हैं देखने में। Next देखिए, Our nose help us to smell. Smell means सूंघना। तो हमारा जो nose है वो क्या वर्क कर रहा है, यहाँ पे स्मेल कर रहा है। तो हमें स्मेल गुड और बैड जो होती है वो हमें कौन बताता है, नोज बताता है। नेक्स्ट है, अवर स्किन हेल्प अस टू फील थिंग्स। फील यानी महसूस करना, और हमें फीलिंग का किससे पता चलता है, अपनी स्किन से। ये देखिए, अगर हम स्किन को अगर हम चूटी काटेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें स्किन बताएगी कि हमें दर्द हो रहा है। तो हम जो फील करते हैं वो किससे करते हैं, स्किन से। नेक्स्ट हमारा ऑर्गन देखिए, अवर टंग। टंग मीन्स जीभ। तो अवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट। टेस्ट करने में हमें कौन कौन बताता है कि कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, तीखी है, स्पाइसी है, वो कौन बताएगा, टंग। टंग से हमें टेस्ट का पता चलता है। जैसे मम्मी खाना बनाती हैं तो उसमें पता चलता है ना आपको कि आज मम्मी सब्जी में आपने नमक कम डाला है या आपने मिल्क में मीठा नहीं डाला है। तो वो आपको किससे पता चला, आपकी टंग आपको बताती है टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट देखिए हमारा ऑर्गन ईयर्स। अवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर। हियर मीन्स सुनना। तो यहाँ हमारा सुनने में कौन सा ऑर्गन वर्क कर रहा है, ईयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फाइव ऑर्गन्स हमने देखे थे, आईज नोज स्किन टंग ईयर्स। तो ये हमारे फाइव ऑर्गन्स हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं। आईज का वर्क देखिए, सी। नोज का स्मेल, स्किन का फील, टंग का टेस्ट, ईयर्स का हियर। तो यहाँ सभी बच्चे भूलना नहीं कि हमारे ऑर्गन कितने हैं, उनका क्या वर्क है, डिफरेंट डिफरेंट इनका वर्क भी आप याद रखेंगे। लाइफ स्किल, यहाँ एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, राइट द एक्टिविटीज़ वेयर यू यूज योर हैंड्स एंड फीट। जहाँ अपने आप अपने हैंड्स और फीट अपने पाँव का यूज़ करते हैं वो आपको एक्टिविटी यहाँ लिखनी है। जैसे हैंड्स, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं, तो राइटिंग में आपके किसका यूज़ हो रहा है, हैंड्स का यूज़ हो रहा है।
ठीक है, तो यहाँ राइटिंग आ सकता है। नेक्स्ट है फिट, तो फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग, तो आप जो प्ले करते हैं, वॉक करते हैं, तो उसमें आपके जो फिट हैं वो आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप खुद से यहाँ पे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और मैंने जितना आपको आज रीडिंग करवाई है चैप्टर थ्री की, आप उसकी रीडिंग करेंगे और अच्छे से अपनी चैप्टर थ्री को जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप मुझसे ऑनलाइन पूछ सकते हैं, कॉल करके भी उसके बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।